दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश में आज से एक डेढ़ साल पहले अनिनी नाम का एक जगह काफी ट्रेंडिंग होने लगा। अनिनी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अनिनी तक आप कैसे पहुंच सकते हो, अनिनी तक का रोड कंडीशन कैसा है, कितना खर्चा में ये ट्रिप हो सकता है, रास्ते में रहना और खाने का सुविधाएं क्या है, एंड ऑल ऑफ अ सडन अनिनी इतना फेमस क्यों हो गया है, ये आपको आने वाले चार ब्लॉग्स में दिखेंगे। मीनवाइल अनिनी पहुंचने के लिए हमें एक पास से गुजरना पड़ेगा। उस पास का नाम है मायोदिया पास। तो आज हम मायोदिया पास तक पहुंचेंगे। वैसे अगर आप सुबह 3-4 बजे स्टार्ट करते हो अनिनी के लिए, तो आप एक ही दिन में अनिनी पहुंच सकते हो, मगर हमें 2 दिन क्यों लगा, चलो पता करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डे 40 के व्लॉग में। ये है मिलन नगर का ओ लेन, और ये जो घर है ना, यहाँ से निकलेगा जॉन, हमारा एक्सेल बोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जाएंगे, हम लोग ये ट्रिप बेसिकली अनिनी एंड वेलकमिंग बैक फ्रॉम अनिनी वील बी अटेंडिंग डम्बुक ऑरेंज म्यूजिक फेस्टिवल। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अनिनी पहुंचने का, वहाँ पे रहना खाना जो भी होम स्टेज वगैरह, वो सब का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। दैट्स रसेल, यू हैव ऑलरेडी मेट, दैट्स सुमन, एंड दैट्स वेयर इज शी, बोला सिडू, दैट्स आवर बिलव्ड स्वीटू, which I call, otherwise her name is Bella. तो हाँ, अभी we are waiting for our Axel, जो यहाँ से निकल के आएगा। ये उसका ससुराल है, ये वाला बिल्ली। Let him come, he is always late. आइए जनाब, आइए। Handsome boy. So bro, tell me something. Yes. How do you feel about? All excited. Again. All excited for the. But you have left your wife behind. Yeah, bye-bye wife. Bila dala. Hey, chal. Bula mati se. Bula mati se. Chalo. Basen. Hey, bye-bye. Dibrugarh mein na. I don't know, ye maine Dibrugarh mein dekha hai. Ek cheez. Aap logo dikha do, ye rasta dekhe. Ye rasta mein wrong side se log is taraf se aate, dekhe. Itna bevkoof hai na log, ye dekhe. रॉन्ग साइड से आ रहा है मगर इस तरफ से, और इतना फास्ट गाड़ी जाता रहता है ना इस तरफ से, मतलब अगर इस तरफ से आ सकता है, कितना स्पेस है इस तरफ से, बट दे विल कम फ्रॉम द अदर साइड, दिस साइड। और ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए हम लोग का डिब्रूगढ़ में। आई डोंट नो, गुवाहाटी वाटी में दूसरी जगह में ऐसे होता है कि नहीं, दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता। रॉन्ग साइड मतलब हमेशा इस तरफ से आता है। दोस्तों, डिब्रूगढ़ से मायोदिया तक का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर और मायोदिया से अनिनी का डिस्टेंस है 167 किलोमीटर। ओवरऑल डिब्रूगढ़ से अनिनी का डिस्टेंस है 377 किलोमीटर। आप लोग अनिनी आराम से सुबह जल्दी स्टार्ट करो तो शाम के 7 से 9 बजे तक पहुंच जाओगे। मीनवाइल आप लोगों को हाईवे का कंडीशन दिख रहा है। द रोड कंडीशन सो फार इज प्रीटी गुड बिकॉज ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया तक का बाईपास रोड है। तो मैप में दिखा रहा है 2 hours and 56 minutes। तो रसल भाई, हम लोग को कितना टाइम में पहुंचाएगा ये तो रसल के ऊपर ही डिपेंड करता है। डिस्टेंस कितना दिखा, डिस्टेंस इज 144 किलोमीटर। गौतम ने ये जो डिस्टेंस मेंशन किया है, बेसिकली ये है तिल अरुणाचल के रोइंग तक, बट अभी हमें पहुंचना है माकुम तक। माकुम में मुझे एक स्कूल में चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाया गया है स्पीच देने के लिए। मीनवाइल खाने के लिए एक पिट स्टॉप लेते हैं। ছুটি ঘুগুনি এই বইল কণী আছে ন ছুটি বইল কণী খুলাই দিম নেকি ন তো ব্ৰেকফাষ্টত কি আছে কৈ দিয়াচোন তুমি ঘুগুনি আৰু পৰঠা নাই এইবোৰ বস্তু মতলব ইয়ে সব খাকে আচ্ছা ইছলিয়ে লাগতা হয় কিউকি না ইয়ে সব নৰ্মেল ৰেষ্টুৰেণ্ট উসমে যাওগে ও কিয়া ইয়ে সব খাওগে পৰ এসে মানে ছোটা ছোটা যো ৰোড চাইড মে ধাবাজ বগেৰা হত ধাবা নাই কিয়া বলতে ষ্টল স্নেক্স বগেৰা হতা হয় কিয়া স্নেক্স स्नैक्स वगैरह होता है तो वहाँ पे ये सब खा के मजा आता है। और ये हो गया हमारा भुजलोकिया। भुजलोकिया नहीं, ओ राजा मिर्चा। सीटू को देंगे थोड़ा सा 2-4 अंडा। बेला का फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो चुका है, बट जितना हो सके हेल्दी खाना देने की कोशिश करते हैं। मसाला वसाला ये सब तो नहीं, अभी अंडा है विदाउट योक, योक यहाँ पे पड़ा हुआ है, पर इसको योक पसंद है। अब ये एक तो खाया इसने, 5-6 खा लेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक रहती है। सुबह सुबह एक यॉकर पुआने का गुनी से बहुत देखिए सर, तो ये इतना चूजी हो गया ना, बहुत बदमाश हो गई ये। ओए खाना का, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एवर आई हैव फेस्ड।
वेल ट्रेवलिंग विथ हर, खाना खिलाना। अभी देखिए मन ऑब्वियसली फूड हैबिट्स एंड लोकेशंस वगैरह, हम लोग कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसका जहाँ पे खाते हैं, ये सब बहुत कुछ मैटर करता है, इसलिए वो थोड़ा सा हिंडर कर दिए। मे बी दिस विल डू द मैजिक। माकूम में हमें स्वागत किया चांगयांग ने। चांग मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है। वेल डूइंग आवर नॉर्थ ईस्ट ट्रिप मुझे चांग मिला नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट में। वहाँ हम लोगों ने साथ साथ में ही टेंथ पिच किया था और इसी तरह हमारी दोस्ती हुई। एंड उसको जब मेरा कॉज के बारे में पता चला कि मैं रस्ते के डॉगीज को खाना और कॉलर्स पहनाता हूँ, तब उसने मुझे उसका बड़ा भैया का स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया टू गिव अ स्पीच अबाउट व्हाई स्टूडेंट्स शुड लव डॉग्स। The little kids coming. Don't go missing. सबसे पहले हम गए प्रिंसिपल ऑफिस में एंड वहाँ हमने डिस्कस किया कि क्या स्पीच देना है एंड ऑल दैट। मैंने लाइफ में अपने स्कूल के स्टेज में कभी स्पीच नहीं दिया तो मैं कंफ्यूज था, मगर यूट्यूब में वीडियोस बनाते बनाते मुझे क्या बोलना है वो सब सीख लिया था। बट एज यू कैन सी माई फ्रेंड्स दे आर बिट कंफ्यूज एंड अनकम्फर्टेबल बिकॉज उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। मोर ओवर वी केम वेरी कैजुअली। वी आर इन NCM मेमोरियल school and all of a sudden Chang-yang invited me to be a guest, chief guest in his school to mane kuch lecture dene ke liye, kuch speech dene ke liye, motivational speech dene ke liye bulaye hain, bachche log wahan pe khade hain, to wahan pe jaunga abhi, pata nahi mujhe kya bolna hai, par dekhte hain jo naturally niklega basically best dog awareness and ke safety ko leke, डॉग्स क्यों नहीं मारना चाहिए, ये सब हम बताएंगे वहाँ पे, जो डायरेक्टली आएगा वही बताऊँगा। हमें असेंबली ग्राउंड के आगे बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में बुलाया गया एंड स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय ऑनरिंग अस विद गामुसास। प्रिंसिपल सर ने सबको बताया कि मैं क्या करता हूँ, कैसे इंडिया के अलग अलग जगह अपने बाइक में बेला को लेके घूमता हूँ, सब कुछ बताया। কোনে কোনে মোৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে, কোনে কোনে কুকুৰ ভাল পায়। গুড। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो इंग्लिश हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं वो इन बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने आधा इंग्लिश और आधा एसएमईस में सबसे इंटरेक्ट किया। ऑलमोस्ट एवरीवन द डांगोर की टाइप पढ़ना क्लास 9 9 होय जाने सर 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 I think most of the students there and the YouTube, but they are the same of raising hand because I'm sure tomorrow jodi if you guys watch YouTube or Facebook regularly eta lora naam tum tomar kache sini pa samoy gogoi boli sini pa ne everyone knows samoy gogoi right yes that kid is saying gom pai takle gom pai gani bhal kaam kori ase hoy na। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एक स्कूल में जब लेसन्स देते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स का समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो मैंने इनसे एसएमईस में ही इंटरेक्ट किया सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एंड मुझे रिप्लाई मिले। ইমানখিনি কম বৰ বেছি কথা নকওঁ, আমাৰ আমি অলৰেডি এটা ট্ৰিপত আছোঁ, আমি এতিয়া অৰুণাচলৰ পিনে গৈ আছোঁ, সেনেকৈ আৰু ৰাস্তাত কুকুৰক খানা খুৱাই ৰিফ্লেক্টিভ কলাৰ্ছবিলাক কিনাই পেলাই আমি আগলৈ গৈ আছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ হেভিং মি হিয়াৰ। অ'কে গিভ এ বিগ স্পীচ কে বাদ বচ্চোঁ নে আপনা আপনা টেলেন্টস হামারে আগে প্ৰেজেণ্ট কিয়া। এক ছোটি সি বচ্চি আই অৰ উসনে রাইম সুনায়া। One run, this get and task, get I lost.
my yellow basket. I put the letter to my mother on the way. I drop it. I rest on the way. I drop it. I literally pick it on my positive basket. Thank you. छोटी सी बच्ची के बाद दिस ब्राइट स्टूडेंट ने हमारे लिए एक गाना गाया। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दिस सॉन्ग, एटलीस्ट इस गाने को सुन लीजिए। एंड लास्ट में अनदर स्टूडेंट केम टू परफॉर्म डांस। सबके सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि आई वॉज रियली अमेज्ड। मोरओवर मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जितने भी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया सबके सब गर्ल्स हैं, एंड इसी से पता चलता है कि आने वाले दिनों में वीमेन विल रूल द वर्ल्ड। फोटो सेशन होगा, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आई होप आई चांस गेट ठीक है क्वेश्चन। ইমান খিনি কবলগৈ হাসলে কলো আৰু এতিয়া ফটো সেশন এটা কৰিম। আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। মোৰ লগত আমাৰ বন্ধুকেইটাকো আজি গামোচা পিন্ধিব পালে, এই দুটা তাত থিয় হৈ আছে, ইহঁতকেইটাকো গামোচা পিন্ধালে। গেষ্ট চিফ গেষ্ট হিচাপে প্ৰথমবাৰ লাইফত এনেকৈ আহিছোঁ আৰু একচুৱেলি ভাল লাগিছে, কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু স্পীচ দিলোঁ, কেনেকুৱা আছে কোৱাচোন? থেংক ইউ, বাই বাই। সবতচে বেছি কুকুৰৰ কথা একচুৱেলি ইয়ে ক'ব পাৰিলেহে। ইয়াৰ ওচৰত 22টা কুকুৰ আছে। আহোঁ দিয়ক গাইজ। লাইফ মে না अपने लाइफ में इतना रेस्पेक्ट कभी नहीं मिला है। अभी भी धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है। ऑल बिकॉज ऑफ बेला ओनली एंड द विजन कि एक डॉगी के साथ ट्रैवल करना है बाइक में, जो भी करना है पता नहीं क्या है, पर इतना रेस्पेक्ट कभी नहीं मिला था। इतना रेस्पेक्ट दोस्तों को भी नहीं मिला था बोल रहे। बट एनी वे यस, कभी भी स्कूल में भी स्पीच दे नहीं पाया। यहाँ पे कैसा स्पीच दिया मैंने, आप लोग वीडियो पे देख के बताना ज़रूर। अभी यहाँ से चलते हैं और अभी अभी तो अरुणाचल घुसेंगे, उसके बाद आगे वीडियो बनाते हुए जाएंगे। वहाँ पे इंग्लिश में स्पीच देने के लिए बोला था ना, स्पीच इंग्लिश में दे रहा हूँ, दे दिया था, मगर यू नो इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश में दिया उसको समझ में नहीं आया। एक मैसेज इफ़ आई एम गिविंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट, तो इसीलिए मैंने एसमिस में बीच में बोल दिया था। आई होप जो बोला उनको समझ में आया ना, बच्चे लोग हैं कहाँ समझ में आएगा यार। एंड इट वॉज ग्रेट। लास्ट टाइम इस तरफ से आया था जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था 2019, जब दम्बुक गया था मैं, तब इसी रास्ते से वापस आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारा मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, टायर वायर जला के इसी रास्ते से आया था। फिर हम लोगों ने एक डिटोर भी किया था गाँव के अंदर अंदर से। सो यस, अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन ऑन दिस रोड। अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो अरुणाचल घुसेंगे और आप लोगों को रास्ता यहाँ से क्या है, कहाँ रास्ता है कि नहीं, कहाँ रास्ता
कहाँ है रास्ता है, कितना परेशान हो रहे थे पेला को लेके। कभी नहीं, मैंने ऊपर बैठी हुई है तब से। इसलिए कंबल दिया था इसको, क्या हुआ? 4G नेटवर्क। Santipur Chapakua Rowing 34. Look at the beauty. Time for lunch break. Atai cuisine pe hum log ruke hain lunch ke liye. Chalo chalo Sudhu. So dosto, jab khane ka availability ki baat aati hai, aapko Dibrugarh se Arunachal ke Rowing tak raste ke side side mein bahut sare restaurants and dhabas mil jayega. Now that you are in Northeast India, आपको यहाँ वही खाना मिलेगा जो नॉर्थ ईस्ट में खाए जाते हैं, लाइक पोर्क डिशेज एंड ऑल। खाने में ऑप्शंस तो बहुत है, इंक्लूडिंग वेजिटेरियन फूड, सो टेंशन नहीं है। कोपाट खन आपके लक्ष्य कर उल्टा साइड भात सीधा ब्राइटर साइड ভাল লাগিলে দেই ভাত কেইটা খাই কেমন আছে বাৰ খা ভালকে খা খতম কৰ সো যদি আপোনালোকে ইফ ইউ গাইজ আৰ গোয়িং টুৱৰ্ডছ ৰোয়িং ৰোয়িং কে তৰফ আগৰ যাৰে তো ইয়ে আগৰ নন ভেজ আপক পৰ্ক পৰ্ক পচন্দ হে তো ইয়াতে খা সকতে হো अटाई क्यूजाई। गैस खाना खा के कैसा लगा? ठीक है, लोग आएगा क्या यहाँ? ठीक ठाक आएगा ना? आएगा आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बेला ने भी खा लिया, सबसे खुशी की बात ये है। बड़ा मस्त तरीके से अभी बीच में बैठ के जा रही है। इस वीडियो को थोड़ा सा हवा मिल रहा है एक्चुअली, वो एसी का हवा खा के जा रही हो। चलो अभी रोइंग ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 40 किलोमीटर है। स्टॉप पुलिस चेकिंग। आप लोगों को तो पता है कि जब अरुणाचल घुसने के लिए आप लोगों को चाहिए ILP इनर लाइन परमिट, तो हम लोग वो बनाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बनाएंगे, निकलेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूंगा। बड़ा इज ऑलरेडी इन द काउंटर। आई डी। तो कैसे आजकल इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट एक ID कार्ड देने से हो जाता है। मैंने अपना वोटर ID कार्ड दिया था, एंट्री किया, ILP आ जाएगा अभी। हम लोग तीनों चारों एक साथ बनाए ना, एक ही लिस्ट में आएगा। अरुणाचल के रोइंग हम लोग आराम से एंटर कर लिया है और ILP तो आराम से बन जाता है आजकल, बस आपको एक वैलिड ID प्रूफ और गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ता है। रास्ता यहाँ से और भी बेहतर हो जाता है। बाय द वे गाइस, हम जिस तरफ जा रहे हैं, आपको अगर ATM की जरूरत है या तो फ्यूल डालना है या तो कुछ शॉपिंग करना है तो रोइंग से ही कर लेना। रोइंग में एक बड़ा सा मार्केट बैठता है, आगे पहाड़ चढ़ने के बाद आपको रोइंग जैसा मार्केट मायोदिया पास तक नहीं मिलेगा। क्या रास्ता बनाया है रे बाबा, अरुणाचल गवर्नमेंट है यार, मान गया हूँ मैं। फिलहाल तो हम लोग मायोदिया पास ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से 49 किलोमीटर है, पर मायोदिया पास बहुत ऊपर है, चलते जाएंगे। क्या नहीं है? हाँ, मायोदिया पास पास नहीं है। बड़ा कुछ खतरा खतरा बात बोलते हैं, मायोदिया पास पास नहीं है, है जाने के लिए। ये तो जाएगा वीडियो, कुछ बोल। थोड़ी दूर आया था, सोचा कि एक व्यू पॉइंट दिखा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आजा सीधा आजा। अंधेरा होने के बाद पहाड़ों में जगह या तो कुछ भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें मायोदिया पास पहुंचने से पहले एक घर दिखा, तो वही पूछने के लिए गए कि यार रहने के लिए जगह मिलेगा क्या। पास कहाँ पे? मायोदिया पास कहाँ पे? सामने, ये आर्मी कैंप के सामने। ओह, थैंक यू। ऐसे लिखा से मेरे को। तू पास हो ना? वेलकम टू मायोदिया पास। तू पास हो?
पहुंच गए हम मायरे पास, वो देखिए मायरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि एक पास है तो इट्स वेरी विंडी एंड यहाँ बहुत ठंड होता है। कोई नहीं था वहाँ पे एक्सेप्ट एन इंडियन आर्मी कैंप जहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता था, तो उनसे पूछ के पता लगा कि थोड़ी ही दूर आगे रहने के लिए जगह मिल जाएगी, तो हम आगे चले गए। वैसे हम मायदे पास पहुँच गए थे, मायदे पास पहुँच के आगे थोड़ा सा होटल मायदे है ना, ये होटल मायदे में पहुँच गए। यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल गया एटलीस्ट, और हम लड़के लोग के लिए क्या ही चाहिए, रहने के लिए जगह ही चाहिए, तो हम लोग को जगह मिल गया है। बेला को अंदर लाएंगे, और वो भी बेचारी थोड़ा सा घूम रही है ना, तो उसको भी ठंडा वंदा लगा होगा, ज़्यादा नहीं गाड़ी में आए। और यहाँ पे भैया लोग थोड़ा सा खाना वाना पका रहे हैं, थोड़ा सा चिकन बना रहे भैया, है ना भैया, चिकन ही है ना ये, चिकन है वो पॉर्क है ना। आप लोग भी रेस्टोरेंट यहाँ पे चलाते हो? ओह भैया थैंक यू। मैं मतलब अपना डॉगी को लेके घूमता हूँ हर जगह, पर गाड़ी में नहीं, बाइक में। आज बाइक लेके नहीं आया मैं, तो आज गाड़ी में आ गया। जैसे ही होटल मायादेव के अंदर आके भैया ने थोड़ा सा आग लगा दिए, कार में बैठा है, अभी ठंडा है बहुत ज़्यादा, बाहर -5 degree टेम्परेचर दिखा रहा था। और भैया बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा लेबर भी निकलता है, भैया का डॉगी को लेके गया था 2 साल पहले, तो अकेले अगर रात को अंधेरे में जाता है थोड़ा सा रिस्की है। एंड भैया कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो आपने बोला था कि रहने का खाने का, खाने का ऐसा कुछ वो नहीं है, दिक्कत इतना नहीं है। नहीं है, तकलीफ हर जगह मिलेगा, रास्ता हर जगह में होम स्टे है, सब कुछ मिलेगा, अनिल तक मिलता है, अनिल तक सब कुछ, पेट्रोल डीजल खाना पीना सब। ये ड्राइंग से मायोदिया तक ही थोड़ा वो है, थोड़ा तकलीफ है। हाँ, यहाँ से बहुत आराम, गाँव है, गाँव 10 किलोमीटर आगे में उल्ली गाँव है। अच्छा, रास्ता कहाँ तक था? रास्ता खराब ही नहीं, अभी हाईवे मिलेगा आपको, यहाँ से उल्ली 50 किलोमीटर हाईवे मिलेगा। जैसे आपको आंटे में रास्ता नहीं मिला था हाईवे, इस तरह से घूम गया था, दूसरा हाईवे मिलेगा, वो रास्ता नीचे काटिंग जा रहा है, उल्ली सतह मिलेगा। ये रास्ता नीचे से नहीं बन रहा है, मीन्स गाइस व्हेन यू कम, जब हम लोग आते हैं रोइंग से ऊपर ये मायोदिया पास की तरफ, तो बीच में रास्ता छोटा हो जाता है, मीन्स हाईवे से सीम्स लाइक वन लेन रास्ता हो जाता है। तो हुल्ली से मिस रास्ता बहुत सही है, तो आपका ये वाला रास्ता मीन्स जो हुल्ली तक, हुल्ली से जो रास्ता है वो अलग हाईवे बन रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है वो। ओके, नीचे साइड नहीं हुआ, ऊपर साइड हो गया। ओके ओके गाइस, अगर आप लोग मायोदिया में कहीं पे रहने का ऑप्शन ढूंढ रहे हो, या तो आप मायोदिया में स्टक हो जाते हो, जैसे कि हम लोग आगे जाना नहीं, अंधेरा हो गया था इसीलिए हम लोग ने सोचा कि आगे नहीं जाएंगे, तो हम लोगों को जो ऑप्शन मिला हम लोग वहीं पे रुक गए। हम लोग रुके हुए थे होटल मायोदिया पे, जो आप लोगों ने देखा होटल मायोदिया कैसा है, जहाँ टीना टीना लगा हुआ था। सो आई विल नॉट रिकमेंड होटल मायोदिया फॉर यू गाइज, क्यों, बिकॉज ये जो होटल है इट्स खाने का जगह है, जो ट्रक ड्राइवर्स या तो कोई भी वहाँ से जाता है कुछ खाने का ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पे खा लेता है, ये रहने का ऑप्शन नहीं है। हम लोग लड़के थे, डॉगी था, तो इसीलिए हम लोगों के पास, हम लोगों ने सोचा कि आगे देखने नहीं जाएंगे, वहीं पे रुक जाते हैं, हम लोगों का कोई टेंशन नहीं है, वैसे लड़के हैं। अगर आप फैमिली लेके जाते हो, अगर आपके साथ बच्चे हैं या तो लड़कियाँ हैं, डोंट स्टे इन होटल मायोदिया। इसलिए नहीं बोल रहा कि वहाँ पे रह नहीं सकते हो, रह सकते हो, बट ये है ना कि बहुत ही अनहाइजेनिक सा था, बिकॉज जो बिस्तर हमें दिया गया था रहने के लिए, मतलब सोने के लिए, दैट इज़ बेसिकली फॉर ट्रक ड्राइवर्स, और जो स्टाफ वहाँ पे ये होटल रन कर रहे हैं वहीं लोग सोते हैं। एंड व्हाट आई फाउंड वाज, जो बेड वगैरह था वो काफ़ी अनहाइजेनिक सा था, एंड जो कंबल था इट वाज स्मेलिंग, एंड इट वाज मतलब अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम लोग जैसे तैसे रात को गुजारे वहाँ पे, एंड जो टीना लगा हुआ था कहीं पे भी, टीना में छेद था तो बहुत ज़्यादा हवा भी आ रहा था। तो आई विल नॉट रिकमेंड फॉर अ फैमिली मेम्बर्स, या तो कोई भी हो, मैं वहाँ पे रहने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो आप बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, ये ऑप्शंस आपको आने वाले वीडियो में दिख जाएगा। एंड आने वाले वीडियो में हम लोग मायोदिया से अनिनी जाएंगे, और भी मज़ा आएगा, और बहुत ही
आपको पूरा सब कुछ दिखाते हुए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय अहो।